7:45 हो गई, ये सोई वाम कोई होश नहीं आएगा, फजर भी हुई इनको, तहज्जुद पढ़ लेते हैं ये, और फजर टाइम इनकी नींदर जो है ना फूल चढ़ी होती है। हाँ जी चलानी है पापा, और मैं मामा के साथ जा रही हूँ वॉक पे। सुबह सुबह मेरा जो है ना वो चादर वो आयरन नहीं थी, तो फिर मैंने जो लटका हुआ था वो उठा के ना वही ले ली। मैडम ही जाएंगे, मामा जो है ना अभी जरा चादर शादर अपनी चेंज कर लें पापा के पास। हाँ जी बिल्ली ने वो देख ली, हमारा बोर्ड सारा खराब किया हुआ है। गली में ना अभी ना बंदा ना परिंदा, बस जो नमाजी है ना वो नमाज पढ़ के आ रही हैं। मैं मामा जा रही हूँ, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम मेरी प्रिय, अल्लाह का आमीन। रोड सामने, गली से निकले और सामने रोड। फिर जगा दिया अभी टाइम, सिर्फ 20 मिनट की हम वॉक करके आए, और इसको मैंने नीचे से जगा के ना ऊपर का एक इधर इधर आके लेटे हैं। फातिमा जो है ना, फातिमा अभी बिल्कुल ब्यूटीफुल सो रही है। हम ज़्यादा दूर नहीं गए, बट सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि हाथ जो फ्रीज हो रहे थे, मैं उससे सही ब्लॉग भी नहीं बन रहा था। मामा अभी तस्बीह कर रही हैं, अभी अंदर जो है ना फुल मैसी हुआ है, रात के बिस्तरे वगैरह खुले हैं। पापा मैसी तो नहीं हुआ, वैसे बिस्तरे पड़े। ये लड़की यहाँ हमारे घर कौन सा, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चा आपका छोटा सोया है ना? बच्चा मेरा तहज्जुद पढ़ता है, वैसे फजर के टाइम ही उठता। ये है बच्चे की खासियत। वो करके आ गए थे जी, नाश्ता वगैरह बनाया, मामा पापा अंदर बैठ के कर रहे हैं, फातिमा इधर बैठ के मेरे पास नाश्ता करती है, जैसे मैं मम्मी के पास जाके करती ना, ये मेरे पास बैठ के नाश्ता करती है। ये रही, और मेरा जो है ना ऑमलेट रेडी हो चुका है, इसको हम जो है ना उतार लेते हैं और चाय डालते हैं अपने कप। तहज्जुद पढ़नी है लेकिन वो क्या नाम है उसका, उसकी नींद ने उसके ऊपर कर दिया ज़्यादा, मतलब वो नहीं उठ सका। लेकिन रात को उसने पूरा सोचा था कि मैंने सुबह लाजमी पढ़नी, तो अल्लाह ताला उसकी तहज्जुद जो है, इसलिए फातिमा जो है ना सिर्फ नियत करके सोती है, सुबह टाइम उठती नहीं है, क्योंकि सवाब मिल जाता है। रात को आता हुआ ना हमें हमारा लेके आया था शैम्पू और कंडीशनर, आज पता नहीं कैसे इसको ख्याल आ गया, देख लें फिर मन गए बूठे गए ना, तब इसकी तारीफ करूँगी। चम्मच लिया जी, नाश्ता वगैरह ख़त्म हो कंप्लीट कर लिया था, मतलब नाश्ते के बाद अभी सफाई वगैरह की है, और यहाँ पे लगाया है जी पर्दा, क्योंकि यहाँ से आती है सर्दी। रात यहाँ पे अब नहीं लेटता, लेकिन रात को यहाँ पे सर्दी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से हम हर विंटर में यहाँ पे पर्दा लगाते हैं, और हमारे धूप बिल्कुल नहीं आती, मैंने पहले भी बताया। और धूप ना आने की वजह से जो है ना यहाँ पे ठंडक फील होती है, और जिसकी वजह से सर्दी लगती है। बाहर जाएँ तो बाहर धूप तो होती है, मतलब सर्दी फील नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी होती है। तो बस अब जो है ना चाय बनाऊँगी, लंच हल्का फुल्का सा कर लिया। दोपहर का हमारा लंच आज थोड़ा सा लेट हो गया, 12:30 तकरीबन हो गई है, और बाबा आने वाले हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये इसको ठीक तो करना, चिकन और शलजम बना रही हैं। शलजम सिर्फ इसमें हम चार डालेंगे, आलू नहीं डालने, शलजम डालने, सब कुछ डाल के इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त गल जाए, और फिर इसमें ऑयल डाल के ना इसकी बुनाई करेंगे शलजमों के साथ। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? बेटा बदतमीजी कर रहा है, आज थोड़ा सा लेट हो गया आंटिया, सब्जी लेट होगी, मैं सुबह सुबह ले आती हूँ, तो आज जरा थोड़ा सा लेट गए। अंदर बंदा लेटता है तो ऐसे ही लगता है जैसे बड़ा ही बाहर सर्दी है। माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है लाहौर का, धूप निकलती है, सर्दी भी है और धूप भी निकलती है। तो दुबई का कैसा मौसम है, एक बेटे ने दुबई से कमेंट किया है कि आंटी मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने घर तक दुआएं महदूद ना रखें। तो बेटा आपको मैं बता दूँ कि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, मैं अपने बेटे बच्चों के लिए तो माँ करती करती है, आप यकीन करो या ना करो, पर मैं बिल्कुल अपने माँ के साथ ये बात कह रही हूँ कि मैं हर बच्चे के अच्छे नसीब की अच्छी दुआएं देती हूँ। मैं बाहर कहीं जा रही हूँ ना, कोई बच्चा जैसे शिराज है, इस उम्र एज का बच्चा कोई मुझे नज़र आए ना, प्यारा लग रहा हो, खूबसूरत उसने कपड़े पहने हो, तो मैं उसको माशाल्लाह कह के देखती हूँ, वो बच्चा मेरे आगे से गुजर जाता है ना,
तो मैं खड़ी होके ना उसके लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इस बच्चे को नजरे बस से महफूज रखना। और मैं ये कहता दुआओं वाली माई है, तो बेटा दुआएं करना भी है ना हर किसी के इख्तियार में नहीं होता। सही बात है, दुआ भी वो करता है जिसको अल्लाह पाक तौफीक दे। और बेटा आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे मुझे भी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, ताकि मैं अपने इस नौटी बच्चे के बच्चों को खिला डॉक्टर सालू के जल्दी से इधर आइए। और मुझे बड़ा शौक है कि शराज के बच्चे का नाम, मैंने भी को कह रहा हूं शराज के बेटे का नाम मैंने डिसाइड किया हुआ है। और कुड़ी लब लो, पहले कुड़ी लब लो, कुड़ी डॉक्टर सालू के इस बार का डीएनए मुझे अभी चाहिए। ये लगाओ, ये बाल तुम्हारी मामा का है, गोल्डन बाल जो कि आप सुनहरी जुल्फे, सुनहरी जुल्फे जी। लड़की मैंने ढूंढी हुई है, बहन कह रही है कि लड़की मामा पहले ढूंढो, जब ये पैदा हो गया तो इसकी पसली से अल्लाह पाक ने इसकी दुल्हन को भी बनाया हुआ है, बस वो इंशाल्लाह ताला हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक ने खुद ही उसको ले आना है। जब इसका निकाह का टाइम आ गया ना तो हमारी ये बुआ तो नहीं खड़ा करा के आयो लबनी, चलो लबनी तो मेरी नजर भी आने के बनवा के ले आना, बात है नजर आ गई ना नजर आ रही है। मैं मां जी किनिया वेख, मैं वैसी मां जैसी नहीं हूं कि नक्स निकालूंगी। मैं सबको यही कहती हूं कि अल्लाह पे तोकर रखिए और अपने क्या उसको कहते हैं नसीब पे शक कर रहे हैं, हर चीज ठीक कर देता है, बस अल्लाह पे सच्चा भरोसा होना चाहिए। चलें जी अब हम आपको खाने पे मिलेंगे। और मैंने काफी लंबा लेक्चर दे दिया है, तो बेटा आपके लिए भी दुआएं डाल दी है इसमें शराब ने के ना, जरा भी नहीं छोड़े इसमें, थोड़े से बिल्कुल रह गए हैं, तो बस इसके अच्छे तरीके से इसको भूनते हैं और ज्यादा पानी नहीं, नॉर्मल सा शोरबा रखेंगे बस। आज जाने में रोटियां फातिमा से बनवा रही हूँ, आज भाई मेरी छुट्टी है, आज मैं आराम से देखूंगी फातिमा रोटियां बनाएंगी, मैं भी वीडियो बनाऊंगी, ये लड़की रोटियां बनाएंगी। और ये इतनी काम जो है ना, इसने कभी नहीं कहा कि आप ही एक टाइम की रोटियां जो है ना वो मैं बना लेती हूँ, हालांकि हमारी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 रोटियां होती हैं शाम की, दिन के टाइम भी इतनी होती हैं, सुबह नाश्ते में भी हमारी 5 रोटियां बनती हैं, रात को भी 5। ये भी बताओ ना कि क्यों मैं बनाने लगी, क्यों बनाने लगी हो बताओ ना, क्यों बनाने लगी मुझे कहती है ओ मामा चिल्लाने की खाली सी फिर वो उधर हंडिया रखी है मैंने डाइनिंग टेबल पे, नहीं खाली है क्या मैं कह रही वहाँ पे क्यों रखी, फातिमा बना रही, मैंने कहा ऐसी रोटी बना के देनी है जो बिल्कुल फुलका टाइप, जो बिल्कुल फूल के उतरे, इसलिए इसको बोला है कि रोटी बना, इसकी रोटियाँ अच्छी होती, मेरी भी अच्छी होती हैं आपको पता है, वैसे बच्ची थोड़ी सी प्रो है इस वजह से, प्रो मैं रोटियाँ बनानी तेरे दूर से। चलो डालो हम देखते हैं, माशाल्लाह से देख ले हमारी बच्ची बहुत प्यारी रोटियां बनाती है, वाह वाह वाह, ये इसने खुद ही खानी है, बस ठीक है अपनी बना ली, हूँ अपनी बना लेना सही तरह थोड़ा दबाओ तो ताकि पूरी सही बने वो। चले जी फातिमा जो है ना अब ये रोटी खुद खाएगी, मैं पापा की बनाऊंगी, पापा की रोटियां मैं बनाऊंगी, अपना अपना खाना जो है ना डिनर रात का टाइम है तो अंदर ले गई है। एंड आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जाते जाते वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, अगर जितने लोग वीडियोस देखते हैं इतने लाइक होना तो फिर मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छे से व्लॉग के साथ, एंड गुड नाइट।